स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, भीड़ पर बरसी पुलिस की लाठियां। खूंटाघर डैम घूमने पहुंचे थे लोग, वायरल हुआ तो अफसर बोले समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे। बिलासपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस की लाठी बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 15 अगस्त पर रतनपुर के खूंटाघर डैम में भारी भीड़ पहुंची थी। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से युवकों की भीड़ वेस्टव्यू में बने रेलिंग तक पहुंच गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और भीड़ को खदेड़ने के लिए डंडे बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने की बात कही है। दरअसल लगातार हुई बारिश के चलते खूंटाघाट बांध लबालब हो गया है और वेस्ट वियर से पानी छलकने लगा है। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ घूमने वालों की भीड़ बढ़ गई है। बीते 15 अगस्त को भी यहाँ पानी के ओवरफ्लो और बाढ़ का नजारा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुँच थी। सैलानियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, इसके चलते लोग वेस्ट वियर में बने रेलिंग के ऊपर तक पहुँच गए। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ नहीं मानी, इसके चलते उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अब सोशल मीडिया में पुलिस की लाठी बरसाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से शरारती तत्वों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठी बरसाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सफाई दी है। एडिशनल SP ग्रामीण रोहित झा ने बताया कि 15 अगस्त को खूंटाघाट डैम में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई थी, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए थे। वेस्ट वियर में नहीं जाने के लिए सभी को हिदायत दी जा रही थी, साथ ही बैरिकेड भी लगाए गए थे जिसे तोड़कर शरारती तत्व के लोग वेस्ट वियर में पहुंच गए थे। सुरक्षात्मक दृष्टि से लगातार पुलिस सभी को वहां से हटने के लिए समझाइश दे रही थी लेकिन लोग नहीं मान रहे थे।